प्रतिवर्ष ग्रीष्म ऋतु में नौतपा प्रारंभ होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार यह ज्येष्ठ माह में तब प्रारंभ होता है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में भ्रमण करने लगता है। आओ जानते हैं कि नौतपा कब से प्रारंभ होगा और क्या है इन नौ दिनों की नौ विशेषताएं। कब से प्रारंभ होगा नौतपा? सूर्य 15 दिन के लिए जब रोहिणी नक्षत्र में गोचर करेगा तब नौतपा प्रारंभ होगा। प्रारंभ के 9 दिनों को नौतपा कहते हैं। सूर्य 25 मई बुधवार को 8:26 पर रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, जहां वो 8 जून की सुबह 6:40 तक रहेगा। इस बार सूर्य रोहिणी में 14 दिन तक ही रहेगा। 9 विशेष दिनों की 9 खास बातें। पहली, नौतपा के दौरान सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी पर प्रभाव डालती है, इससे प्रचंड गर्मी होती है जिसके चलते मानसून बनता है। यदि इन 9 दिनों के दौरान ही बारिश होने लगे तो इसे नौतपा का गलना कहते हैं। यदि नौतपा के सभी दिन पूरे तपें तो यह अच्छी बारिश का संकेत होता है, क्योंकि इस दौरान समुद्र के जल का तेजी से वाष्पीकरण होता है जिसके चलते घने बादल बनते हैं। दूसरी, ज्योतिष का मानना है कि इस बार शुरुआती 6 दिनों में गर्मी के साथ ही उमस भी बहुत रहेगी। 9 दिन में से अंतिम 3 दिन हवाएं खूब तेज चलेगी, कहीं कहीं मध्यम बारिश की संभावना है तो कहीं बौछारें भी हो सकती है। बाढ़ और तूफान का अंदेशा भी बना हुआ है। तीसरी, नौतपा के दौरान किसी भी स्थिति में बगैर कुछ खाए पिए घर से न निकलें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए जिससे पसीना आकर और शरीर का तापमान नियमित निर्धारित हो सके तथा शरीर में जल की कमी न हो। चौथी, नौतपा में खुले शरीर बाहर न निकलें, टोपी पहने, कानों को ढककर रखें और आंखों पर धूप का चश्मा जरूर लगाएं। पांचवी, प्रतिदिन प्याज खाएं और साथ में रखें भी। अधिक गर्मी में मौसमी फल, फलों का रस, दही, मट्ठा, जीरा, छाछ, जल जीरा, लस्सी, आम का पना पिए या आम की चटनी खाएं। हल्का व शीघ्र पचने वाला भोजन करें। तली हुई मसालेदार चीज़ों से दूर रहें, यह आपका पेट खराब कर सकती है। छठी, नरम मुलायम सूती कपड़े पहने जिससे हवा और कपड़े शरीर के पसीनों को सोखते रहें। सातवी, इन सब के अलावा समय समय पर आवश्यकता के अनुसार ग्लूकोज का सेवन करते रहें और अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल अनावश्यक न करें। आठवीं, लू लगने के क्या लक्षण होते हैं यह पहले से ही जान लें। लू लगने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। नौवीं, एसी से निकलते ही एकदम तेज धूप या गर्मी में न जाएं, या तेज गर्मी से निकलकर एकदम एसी में न जाएं। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहनें व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।